आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? अल्लाह करे आप सब खैर खैरियत से हो। अभी माशाल्लाह से हम लोग निकल रहे हैं फैसलाबाद के लिए। शादी शुरू हो चुकी है, बच्चों के दो पेपर जो है ना वो मिस करवाने पड़े हैं। और अभी इस वक्त यहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं बेकरी पे। अबिया, रहीम और आयजा तीनों गई हुई हैं बाबा के साथ चीज लेने के लिए। मुझे लगता है कि बच्चे आ गए हैं, लगता नहीं है बल्कि आ गए हैं। ले ली है चीज? क्या ली है? और अबीहा का ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये आ गए हैं पूरे के पूरे, पूरा खजाना। बाबा कहाँ रह गए हैं? वो खजाने का बिल देख के, खजाने का बिल देख अपने आपको टीका लगवा रहे हैं। बाबा को दर्द हो रही है, कहाँ पे दर्द ज्यादा हो रही है? जोर का टीका लग गया, बहुत ज्यादा ब्लॉक शुरू हुआ है, बड़ा शदीद टीका लगा है, ब्लॉक शुरू हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं तो बड़ा मजे में हूँ और बहुत मजे में होंगे। अपने अपने डायलॉग भूल गए आप काफी अरसे के बाद आए हैं आप, तो देखने के सारा कुछ भूल गए। देखिए जी, आज हम लोग जा रहे हैं शादी पे, आज शादी पे जा रहे हैं और इन्होंने घड़ी भी लगाई हुई। और ससुराल की अंगूठी कहाँ पे दिखाए? नहीं, ये तो आपके ससुराल वालों ने नहीं डाली है, तो आपने निकलवाई क्यों थी? वो मैं पहनूंगा शादी में, पहनूंगा। अच्छा, वो शादी पे पहनने के लिए निकलवाई थी, रख ली है ना बैग में। चले ठीक हो गया, अब हम लोग निकलने लगे हैं। अल्लाह पाक खैरियत से पहुंचाए। टेंशन बहुत थी क्योंकि बच्चों के साथ दूर का सफर करना, वो भी शादी का, बहुत मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी चीज रखनी है और कौन सी नहीं रखनी, बस पता नहीं क्या क्या रखा है क्या क्या नहीं रखा। अब अल्लाह करे सारी चीजें वहां पर जाकर पूरी पूरी मिल जाए। कुछ घर में रह ना गया हो, वैसे तो मैंने सारी तैयारियां की थी लेकिन रह ना गया हो। बस अब हम लोग ना अपने रास्ते की तरफ चलते हैं। हम लोग फैसलाबाद पहुंच चुके हैं, आपको रास्ते आइडिया। हाय हाय, कान ही खा लिए, कितनी गंदी हॉर्न है ना बसों की। और यहाँ पे शदीद रश है, रश में फंसे हुए हैं। अब बस स्टैंड था और काफी ज्यादा रश था यहाँ पर। हम लोग बस स्टैंड के रश से निकल के आ चुके हैं और घर बिल्कुल करीब है, बच्चे भी फ्रेश हो गए हैं और सफर बहुत अच्छा रहा हमारा। अब हम लोग ना घर के बिल्कुल करीब करीब आ गए हैं और बस थोड़े ही चंद मिनटों के फासले पर घर आ जाएगा। उसके बाद बाकी का जो व्लॉग होगा, ढोलकी व्लॉग होगा, जो भी कुछ होगा वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने व्लॉग देखते रहना। जहाँ बैठे हो ना यहाँ पे नीचे ना बिरयानी के चावल पड़े थोड़े से। हाँ जी, इधर देखे, देखो भूख लगी हुई थी, चावल खाने बच्चे हैं। हाँ जी, अभी हम पहुंच चुके हैं और खाना खाया जा रहा था और हमने आके छापा मार दिया और यहाँ पे अभी खाना खा रहे हैं और उसके बाद जो है ना बाकी काम स्टार्ट हो। आज ढोलकी है और ढोलकी के लिए ये जो डेकोरेशन है ना वो हो रही है, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी ना फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखाऊंगी। और साथ साथ लग रही है मेहंदी, तो वो भी आपको दिखाते हैं। और ये बहुत ही प्यारी सी मेहंदी लगी है माशाल्लाह से, और अभी एक और हाथ पे लग रही है, वो भी आपको दिखाते हैं। प्यारे प्यारे हाथों, प्यारे प्यारे हाथों पे प्यारी प्यारी सी मेहंदी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। और अभी यहाँ पे अबीहा, हरीम और आयजा ये तीनों बैठी हुई है। अबीहा आपने कौन सी लगवानी है? अभिया फोन में देख रही है डिजाइन, आयजा की मेहंदी लगना स्टार्ट हो गई। और आयजा की फरमाइश थी कि ना मेरे हाथ पे बटरफ्लाईज बनाई जाएं, बहुत प्यारी प्यारी सी। यहाँ पे अभी हरीम की मेहंदी लग रही है और बहुत ही मेहंदी लग गई है। अभी अबीहा तैयार हो रही है, हम लोग भी तैयार हो गए हैं, सादिया भाजी भी तैयार हो गई है। दिखाए सादिया भाजी अपना ड्रेस, बहुत प्यारी लग रही है। मैंने वही ड्रेस पहना हुआ है, मैंने अभी अपना मेकअप वगैरह रिफ्रेश किया और लंच वगैरह खा लिया इस साइड के।
मेहनत करती है और अभी जो है ना आपको जो होने लगे ठीक हो माई हो आज। वाह जी वाह, जूता कितना प्यारा लग रहा है। ये लड़की वालों की तरफ से आया है। वेरी गुड, झूठ अच्छा। और जो फुल ड्रेस है ना, अभी दूल्हा साहब अभी तैयार श्यार होकर है और शर्मा रहे हैं बेचारे। शक्ल से तो लग रहा है। रो क्यों रहे हो? अभी दो दिन बाकी है रोने में। देखो कितने दिन गिन के रखे हुए। मैं तो मजाक कर रही थी। और मैं यहाँ पर अभी इसी ड्रेस में ही हूँ क्योंकि अभी मैंने ड्रेस चेंज नहीं करना। और इसी ड्रेस में जो है ना अभी आज ढोलकी का व्लॉग और माइयों का व्लॉग होगा। ये जो कार्ड है ना अभी मुझे इतना खूबसूरत कार्ड है। हाँ, को लेकर आना, ये दूल्हे का कार्ड है और ये कीर्तन इतना तो खूबसूरत है ना। आप लोग देख लें कि किसी ने ऐसा कार्ड बनवाना है तो इनसे रब्ता करें। है ना, प्रमोशन वीडियो कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं। अच्छा मैं अब आपको खोल के दिखाती हूँ अंदर से कि कहाँ खूबसूरत है। दो मोर बने हुए, ये दो मोर बने हुए ना। Yes. हाँ, और इसके ऊपर लिखा है क्लिप से दिखाओ। बहुत ही खूबसूरत तरीन कार्ड है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं इस तरह से तो इसके ऊपर सारे प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, मेहंदी से लेकर वलीमे तक, मेहंदी बारात वलीमा जैसे होता है। और ये कार्ड देखें बहुत खूबसूरत है। और ये वाली जो ट्रे है ना, ये ऐसे भी ज़्यादा खूबसूरत है। ये दूल्हे की बहन ने अपने हाथों से रेडी की है, बहुत प्यार से बनाई है। इसे देखकर ही लग रहा है बहुत प्यार से बनाई गई है। तो आप लोगों ने ना आज के ब्लॉग में अच्छे अच्छे लाइक्स देने हैं, कमेंट करने हैं और शेयर करने हैं और सब्सक्राइब जरूर करने हैं। हाँ सुपर है। दो कार्ड दिखे नीचे। चले अब हम लोग जाकर देखते हैं बाकी की तैयारियाँ शहरी हमारे क्या चल रही है, क्योंकि आवाजें आ रही हैं, सब लोग आ चुके हैं, हम लोग भी जाने लगे हैं। आप लोगों ने साथ रहना, लोग सुनते हाय कैसे हो, ठीक हो? जैनब पापा ने अपने सिर में सारियाँ मरियाँ क्या हो गया? अच्छा शादी वाले घरों में ये बड़ा मसला होता है, जितनी मर्जी पीने इकट्ठी कर लो कुछ ना कुछ जो है ना कमी रह ही जाती है। और अभी यहाँ पे आयशा बाजी बहुत प्यारी तैयार होकर आ गई है। आयशा बाजी जरा साथ आ जाए कैमरे में, हम पूरे पूरे हैं। बहुत प्यारी लग रही है, इनका फुल लुक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से। बहुत प्यारी लग रही है आयशा बाजी आप। ये गोल्ड का पहना हुआ है, आजकल वो लाते हैं गोल्ड पहनने। आप दादा जी आपको दिखा दो। नहीं है दूल्हे की खाना है। हाँ ना। और ये आपदा बाजी है दूल्हे की अम्मी, माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारी लग रही है। हाँ इधर आ जाओ, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही है। और डेकोरेशन भी बहुत अच्छी हुई है। चलो जी वली, इधर देखना जरा।
चलो मुझे फीलिंग आ रही है। आ रही है चलेंगे मेमोरी कंटिन्यू करूं। हाँ जी चले हरीम आप चले जाओ साथ, अभी हम मेरे साथ चलो ठीक है। ये दोनों अलग कर तेल भी लगाना है जी। ढोलक शोलक हम लोगों ने बजाई है, खूब मजा आया है, लेकिन अभी जो है ना 3 बज रहे हैं और इतनी ज्यादा थकावट हो गई है, लेकिन अभी भी जो है ना सोने का दिल नहीं कर रहा और अभी भी जो है ना सब लोग हशाश विशाश फुल एनर्जी में ना फुल एनर्जी में। अभी भी ढोलक की आपको आवाज आ रही होगी और अभी जो है ना वो हमारा आइसक्रीम टाइम है। अभी सब लोग खा रहे हैं आइसक्रीम, इधर देखें आइसक्रीम खा रहे हैं और साथ साथ नींद भी आ रही है। मैं सो रहा था। हाँ मुझे जगा के आइसक्रीम दी गई है। हाँ तो अच्छी बात है ना, आपको आइसक्रीम खिलाई गई है। और अभी हरीम यहाँ पर बैठी हुई है, यहाँ पर सब नीचे बिस्तर लगे हुए हैं, आज हम लोगों ने इधर ही सोना है और बड़ा मजा आने वाला है आज, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज हमने सोना है। अभी 3 तो बज गए, इसके बाद सुबह हो जाएगी और देखो क्या होता है, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। सब लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत मजा आता है, आप एक साथ मिलकर इंजॉय करते हो और यही शादी त्योहार के मौके होते हैं जब इंसान एक दूसरे के साथ जो है ना फैमिली गैदरिंग होती है और बहुत इंजॉय कर सकते हैं। तो जी कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, उम्मीद है बहुत पसंद आया होगा। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं, आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।